देखिए यूं ही नहीं कहते कि ओल्ड इज गोल्ड, और कम से कम दोस्ती के मामले में तो आई थिंक ओल्ड इज गोल्ड इज द बेस्ट, क्योंकि जितनी पुरानी आपकी दोस्ती उतना ही ताज़ापन आपके दोस्तारा में होता है। अब हमारे इश्क सुभान अल्लाह के कबीर ज़ारा को ही ले लीजिए, जी हाँ, पुरानी दोस्ती जो फिर से रिकिंडल हुई यानी इस्टेब्लिश हुई, तो इनकी जो मस्ती है उसमें एक नई ताजगी आ गई। सास बहू और साजिश ने आपको ये तो पहले ही बता दिया था कि कबीर की पुरानी ज़ारा लौट आई है। जी हाँ, सेट पर लौट आई है कबीर की ज़ारा, ओरिजिनल ज़ारा, और आते ही दोनों की वो मशहूर मस्ती भी लौट आई है और दोनों के चेहरे की वो खुशी भी, क्योंकि दो दोस्त एक बार फिर साथ साथ काम जो कर रहे हैं। अब जब ज़ारा कबीर फिर से साथ हो गए हैं तो उनके साथ एक मजेदार सेगमेंट भी करना बनता है। कबीर की होगी यहाँ छोटी सी परीक्षा, ज़ारा मेकअप के लिए क्या क्या इस्तेमाल करती हैं ये उन्हें बताना होगा। मैं मेकअप में क्या-क्या चीजें यूज करती हूं? सो फर्स्ट शी स्टार्ट विद डिपेंडिंग ऑन द डे समटाइम्स शी आइस पुट्स अप्लाईज आइस टू फेस और अ टोनर, देन शी पुट अ कलर बार प्राइमर, एंड देन वेट आई टेल यू प्राइमर, उसके बाद शी पुट्स दैट वाइट थिंग लाइक 5-6 ऐसा, फिर देन दे मिक्स इट। व्हाट्स वाइट थिंग? वो हां बेस, उसके बाद फिर रेड कलर ऑन द चीक्स। व्हाट इज दैट रेड कलर? हाइलाइटर। ग्रेट। Wait, let me just tell you, ये क्या है? What is this? Lip balm. Is this a lip balm? What is this? Like? For your cheek. Cheek highlighter. This is blush. What is it for? For cheeks? Yeah, for cheeks. Same one. Huh? What is this? Highlighter. Nice. ठीक है? What is this? Puff. Puff. It's a compact. Okay, compact. What is this? I don't even know what that is. A waffle maker. Waffle? It looks exactly like a waffle. I swear. Nice. Why is there so many things? What is this? Eye. Eye? Kya? Nan ko kuch bolte hain. What is eye? Like kajal? Kajal. Nahi, kajal nahi. Highlighter. No, highlighter ka. Eyeliner. Eyeliner. Nice. Eyeliner. That's gross. Eyeliner. That's gross. What is this? तो भाई यहाँ तो कबीर फेल हो गए, मगर मस्ती की पाठशाला में वो हमेशा अव्वल आते हैं जब उन्हें ज़ारा का साथ मिलता है। you know, एक कहावत है इंग्लिश में, you don't know what you have till it's gone. अगर उसको ट्रांसलेट करा जाए तो आपको किसी चीज की अहमियत नहीं पता चलती जब तक वो आप उस चीज से जुदा ना हो जाए, यानी वो आपसे दूर ना चले जाए। तो कहीं ना कहीं 1.5 सालों में शायद टेकिंग फॉर ग्रांटेड मैंने ये शो को लिया था एंड मेरा मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन पूरा कर चुका था पर्सनली, पर लॉकडाउन आया, 3-4 महीने आए एंड उसमें इतना वक्त मिला चीजें सोचने की। तो अब ज़ारा कबीर की ऐसी ऑफ स्क्रीन मस्ती आपको दिखती रहेगी सिर्फ और सिर्फ सास बहू और साजिश पर। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।